ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ। क्रिकेट की 22 गज की पिच से होती हुई सियासत का सारा जहां छूने की कोशिश में नवजोत सिंह सिद्धू हिट विकेट हो गए। बीजेपी से बैर कर सिद्धू कांग्रेस में चले गए थे, बीजेपी में मंत्री भी बन गए, लेकिन क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ये भूल गए थे कि कैप्टन से बैर रख कर टीम में टिकना मुश्किल है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लंबे समय से शीत युद्ध छेड़े बैठे सिद्धू को आखिरकार हथियार डाल देना पड़ा। सिद्धू ने ट्वीट कर ऐलान कर दिया कि उन्होंने पंजाब के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्वीट के साथ सिद्धू ने 10 जून को राहुल गांधी के नाम लिखा एक पत्र भी शेयर किया जिसमें इस्तीफे का जिक्र था। खास बात यह है कि 10 जून को इस्तीफा लिखने के 34 दिनों के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सिद्धू ने इस्तीफा मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि राहुल गांधी को भेजा। जब पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सिद्धू का इस्तीफा मिलने से इनकार किया तो सिद्धू ने एक और ट्वीट कर कहा कि सीएम को भी इस्तीफा भेज रहा हूं। सिद्धू ने जिस राहुल गांधी को इस्तीफा सौंपा था वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया कि जब अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया है तो पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगनी ही थी। मैं खुद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा सब इस्तीफा दे दो, तो लोग दे रहे, विधायक भी दे रहे, अब मंत्री भी दे रहे। और पिछले 55 दिन से इस पार्टी का कोई अध्यक्ष ही नहीं है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच तनातनी लंबे समय से चल रही थी, यहां तक कि एक दिन सिद्धू ने डंके की चोट पर सीएम अमरिंदर सिंह को अपना कैप्टन मानने तक से इनकार कर दिया था। अरे मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार, कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई, मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है। सिद्धू के इस बयान ने आग में घी का काम किया था। उस वक्त तो जैसे तैसे मामले को संभाल लिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते बात और बिगड़ गई। सिद्धू अपनी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर को अमृतसर से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन कैप्टन ने ऐसा अड़ंगा लगाया कि टिकट नहीं मिल पाया। देखते ही देखते दोनों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ती चली गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहां तक कहना पड़ गया कि सिद्धू की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। इंसिडेंट की बात होती है, इफ इज एम्बिशियस तो ठीक है, सर को एम्बिशन होता है। अगर उन्होंने कुछ वो चाहते हैं मेरे साथ कोई उनको, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉबली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। सिद्धू गाहे बगाहे सीएम को कमतर साबित करने की कोशिश भी करते रहे और उनकी नाफरमानी भी करते दिखे। इमरान खान के शपथ ग्रहण में जाने से सिद्धू को कैप्टन ने रोका था, लेकिन वो नहीं माने और वहां गए। इस्लामाबाद में पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से सिद्धू के गले मिलने पर बवाल मचा, तो कैप्टन ने भी उनकी खिंचाई कर दी। और पंजाब में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बदतर प्रदर्शन के पीछे इस वाक्य को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। है तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जी ने पिछले एक साल में कुछ ऐसे ऐसी चीजें कही जिस पर उन पर गंभीर प्रश्न उठ ही रहे थे। जैसे उन्होंने तो प्रश्न उठा दिया था बालकोट के अटैक पे, और बिना तथ्यों के भाषा पाकिस्तान की बोल रही थी, वहां जाकर जनरल के गले लगना, तो उसके बाद अपनी सरकार के अंदर जो होना वो तो कांग्रेस को ही देखना था। अब यदि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इसका तो कांग्रेस पार्टी से आप पूछिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का मंत्रालय भी बदल दिया था, लेकिन सिद्धू ने नए मंत्रालय का चार्ज भी नहीं लिया और कैबिनेट की बैठक में भी जाना छोड़ दिया, और अब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस्तीफे की ये घोषणा प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका इस्तीफा मंजूर कर कहीं सिद्धू का चैप्टर का दी एंड ही ना कर दें? ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।